और कुमला पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है और इस दौरान पुलिस ने दो देसी राइफल और जिंदा कारतूस जिंदा गोलियां बरामद की है। आपको बताएं कि इस दौरान बंदूक बनाने का तमाम जो सामान है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान मौके से दो देसी राइफल, दो देसी कट्टा समेत जिंदा गोली और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्तार चारों आरोपियों से संबंध में पूछताछ कर रही है, साथ ही जानकारी जुटाने में लगी है कि अभियुक्त कब से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे और किसे किसे हथियार की सप्लाई की है। इसी सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु टाउन थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। टाउन थाना प्रभारी के द्वारा सत्यापन के क्रम में और रेड के क्रम में चार व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम है संदीप खजान, रवि साहू, हरी गोप, कुलदीप राणा। ये लोग कोयजारा और भारगंज का रहने वाला है, इसमें एक लोहरदगा जिला का रहने वाला है। ये जो कुलदीप राणा ये मेन आदमी है जो हथियार बना रहा था वहाँ पे। 21 मई को सुबह 4 बजे एसपी हरदीप पी जनार्दन को गुप्त सूचना मिली कि कोयजारा और गाजी टोली गांव में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। यहां बड़े पैमाने पर बंदूक सहित अन्य हथियार का निर्माण किया जा रहा है। ये भी सूचना मिली कि यहां बने अवैध हथियारों की बड़े खेप नक्सली संगठन PLFI और स्थानीय आपराधिक गिरोह को सप्लाई की जा रही है। इस सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। न्यूज 11 भारत के लिए गुमला से रणधीर की रिपोर्ट।